अपनी तहजीब से हम लोगों के दिलों में बस जाते हैं, अपनी तहजीब से हम लोगों के दिलों में बस जाते हैं। ये शहर है लखनऊ, इसे हम अपने नज़रिए से दिखाते हैं। तमीज़, तहजीब, नवाजिश और रिवायतों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर। तो मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको मिलवाता हूँ लखनऊ से, पर ज़रा अपने अंदाज में। और हाँ भैया, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं कोई फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं जो आपको यहाँ के मशहूर टुंडे के कबाब, चौक की मक्खन मलाई, इदरीस की बिरयानी, शर्मा जी की चाय और प्रकाश की कुल्फी दिखाऊँ। तो आज का ये वीडियो ज़रा कुछ खास है, क्योंकि इतने वक्त से जो है वो था लॉकडाउन और घर में बंद रहकर बन रही थी वीडियोस यही कोई एक दो तीन महीनों से। पर अब इस लॉकडाउन के सन्नाटे और कोविड के खौफ के बाद हम टहलेंगे लखनऊ। और हाँ भैया, आपको भी एकदम सिनेमैटिक से सब दिखाएंगे और टहलाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे पुराने लखनऊ की तरफ। और पुराना लखनऊ सुनते ही जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है ना, वो आता है इमाम बाड़े का, चौक का, नखास का, अरे भैया मतलब नखास की बाज़ार का और उनकी गलियों का। तो अब हम चलते हैं अकबरी गेट यानी कि नखास की तरफ। और भाई इसकी भी एक वजह है, और वो वजह ये है कि ऋषभ भाई का जो घर है वो है नखास में। तो पहले उनको लेंगे, फिर टहलेंगे और फिर हम करेंगे पिक्चर शूटिंग। तो अब हम जाएंगे शूट करने और आज हमारे साथ हैं ऋषभ भाई। लेकिन ऋषभ भाई तो हैं, लेकिन साथ साथ में बिट्टू भाई भी हैं। तो कल रात ही में यार मुझे पता चला कि बिट्टू भाई लखनऊ आ चुके हैं और कहने का सुबह उठा ही देते हैं, नींद खराब करते हैं। सुबह सुबह उठा दिया यार। यार ड्रोन उड़ा था ना? अच्छा, ड्रोन के चक्कर में आया है। हमारे यार अकबरी गेट तो हो गया, लेकिन आप अपने गाइड साहब से पूछ लेते हैं कि इसके बाद कहाँ जाना है। अरे भैया गाइड साहब बताएंगे यार अकबरी गेट के बाद कहाँ जाना है। अरे यार अब हम लोग जाएंगे घर। घर इतनी जल्दी? अरे मतलब घर का मतलब घंटा घर। ओ घंटा घर चलते हैं यार। भाई आए कल रात में और हमने सोचा कि यार उनको उठा लेते हैं, यार दो लोग जाएंगे तो इससे अच्छा तीन लोग चले जाएं। और अब बिट्टू भाई बताएंगे कि यार ड्रोन उड़ा के लगता कैसा है। अरे भैया भाई भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, और चल के उड़ा लेते हैं भाई, ये बंद करो, चल उड़ा लेते एक दो शॉट और बस एक दो। ये यही बंद कर, बैटरी लो रही है भाई, सब्र नहीं हो रहा यार, चलो चलो। तो घंटाघर से जा रहा था अमीनाबाद ड्रोन उड़ाने, सिनेमैटिक लेने। एक तो यार ये जून की गर्मी, ऊपर से मैंने टी शर्ट भी ब्लैक पहनी है, यार पसीने इतने ज़्यादा छूट रहे हैं। मैंने सोचा था ब्लैक पहन लेते हैं, स्मार्ट लगेंगे। अरे यार तो हालत ढीली हो गई। यार ड्रोन यहाँ उड़ा रहे थे हम, और अभी पता है क्या हुआ यार, एक हादसा होते होते भी बचा है, और वो भी किसके साथ? इस नन्नी सी जान के साथ। एक शॉट लेने यार क्या हुआ जरा बता दो। अरे यार क्या ही हो रहा है, शॉट दिखाएं या बता के दिखाएं? शॉट
शॉर्ट दिखा दो, शॉर्ट दिखा दे। अरे बिट्टू भाई क्या कहना है आपका, शॉर्ट ही दिखा दो। अरे तो बयान नहीं हो पाएगा। अरे भाई यार काफी पैर खतरनाक माहौल हो गया था यहाँ, पैर कांपने लगे थे भाई। अरे यार देखो यार, एक शॉट के लिए जान दांव पे लगी हुई थी। यार इतना शूट करने के बाद अब लगी बहुत जोरों की भूख। और यार कुछ खिला दो तो बात बन जाए। खाएंगे यार, खा लेंगे, पर्ची कटवा ली। अच्छा यार अब खस्ते खाएंगे ना, खस्ते के लिए पूरी के लिए खस्ते। भूख लग रही बहुत जोर लगता है, बहुत जोर। तो ये थी पुरानी लखनऊ की झलक, लेकिन ज़रा ठहरिए जनाब, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये सब तो लखनऊ की पहचान बरसों से बने हुए हैं, पर भाई मेरा काम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रहता है, मतलब ऑलवेज अ स्टेप अहेड। अरे एक सेकंड रुको, बस मुझे बोलने दो। तो पुराना लखनऊ तो हो गया, अब दिखेगा नया लखनऊ। नया लखनऊ मतलब, अरे भैया मतलब आपको वीडियो में दिख जाएगा, पर अगली वीडियो में। अरे जनाब ज़रा ठहरिए तो, रात में लखनऊ कितना खूबसूरत लगता है ये तो देखा ही नहीं आपने। खैर कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं।